मुझे याद है जब हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग का अपनी सेरेमनी यहां आयोजित की थी, उस समय हमारे पास निवेश के कुल प्रस्ताव जो आए थे उनमें से मात्र 61,000 करोड़ रुपए को हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाए थे। और जब चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कल संपन्न हुआ है, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ने 10,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े आयोजन को आगे बढ़ाया है। ये 10,24,000 करोड़ 35 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का एक अभियान है, और इस फील्ड के जो अनंत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इन प्रतिभाशाली युवाओं को उन्हीं के प्रदेश में कार्य देकर के देश के विकास में वे अपना योगदान दे सकें, इस दृष्टि से जिस फील्ड में हमारे पास संभावनाएं हैं उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने देखा होगा इसको लेकर के हम लोगों ने 2022 में आईटी एंड आईटीएस की अपनी एक पॉलिसी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लॉन्च की थी। इस फील्ड में पहले से जो लोग कार्य कर रहे थे, आज यूपी डाटा सेंटर का एक हब बनने जा रहा है। 3 डाटा सेंटर वर्तमान में या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की अंतिम प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और 8 नए डाटा सेंटर यूपी के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कभी इस प्रकार की संभावना नहीं थी, आज वह यूपी के अंदर संभव हो पा रहा है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का हो, HCL का हो, या ये बैठे हुए जो हमारे अलग अलग इस फील्ड के प्लेयर हैं, इन लोगों ने भी यूपी की इन संभावनाओं को देखा होगा। उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज जिस एक नए अभियान को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 MOU अभी यहां पर संपन्न हुए हैं, और मुझे तो अच्छा लगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो यूनिट यूपी के अंदर लखनऊ में लगने जा रही है, उन्होंने अपने कार्य को भी प्रारंभ कर दिया है। आज से ही हम लोग, इससे पहले मैं लखनऊ में उसी सेंटर में उस कार्यक्रम में गया था जहां पर उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम आकर के वहां काम करना प्रारंभ कर दी है।